हाँ गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो जो है वो बाथरूम इंटीरियर डिजाइन के ऊपर होने वाली है। दैट्स राइट कि अगर आप अपने घर में नया बाथरूम बनवा रहे हैं या पुराने घर में बाथरूम को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे बाथरूम को डिजाइन करते हुए। अब चाहे वो बाथरूम की प्लानिंग क्यों ना हो, मतलब कि कहां शावर आएगा, कहां WC आएगा या कहां पे वॉश बेसिन आएगा, या फिर वास्तु के हिसाब से कौन सी जगह बढ़िया होगी जहां पे हमें WC को प्लेस करना चाहिए, बाथरूम में फॉल सीलिंग की लाइट्स कहां लगेगी जिससे जो बाथरूम में हम होटल्स या रिसॉर्ट्स में देखते हैं कि जो एंबियंस आता है उसके लिए बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ लाइट क्या रहेगी, फॉल सीलिंग का डिजाइन क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स होता है ना कि बाथरूम में जब घुसते हैं कि यार काश यहां पे एक सॉकेट और होता, काश यहां पे एक स्विच और होता तो मजा ही आ जाता हो, जबकि वो होटल्स के अंदर होता है, हर जगह पे अपनी प्लेस पे वो सारे पॉइंट्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिजाइन की, अगर हम मार्केट में टाइल लेने जा रहे हैं या पत्थर लेने जा रहे हैं तो कौन से शेड पे हाइलाइटर डालना है, बीच में हाइलाइटर डालना है, किसी पर्टिकुलर वॉल पे डालना है, तो डोंट वरी, आज मैं सारे पॉइंट्स का आंसर आपको देने वाला हूं जिससे कि आप अपना बाथरूम खुद से डिजाइन कर पाएंगे, आपको किसी के डिजाइनर या आर्किटेक्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैं कोच पे और मैं आपका एंड कोच एंड बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जाऊंगा बजट आपका, डिजाइन हमारा और कॉन्ट्रेक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। और गाइस वेबिनार आ चुका है, पिछली बार बहुत सही एनरोलमेंट गए हैं, नेक्स्ट जो वेबिनार होने वाला है वैसे मैं सोच रहा पहला करके देखूंगा तो इतने सही रिस्पॉन्स मिले, तो नेक्स्ट वेबिनार जो आ रहा है इस 15th of January को, जिसकी एनरोलमेंट की लास्ट डेट है 10th of January को, जस्ट लाइक द प्रीवियस टाइम, और अगेन एनरोलमेंट दोबारा नहीं खुलेगी, तो जो सीरियस है वो स्टिल एनरोलमेंट करना शुरू कर सकता है। तो देखो, जब भी हम बाथरूम को इंटीरियर डिजाइन बात करते हैं तो आपको क्या टोटल 8 एलिमेंट्स को कंसीडर करने वाला पड़ता है। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, आपको मजा जाएगा। बस आपको करना क्या है कि एक नोटपैड और पेन अपने साथ रख के बैठ जाओ जिससे कि आपको इजीली समझ आएगा। ये मेजर होगा वीडियो, आप लोगों के लिए आराम से आएगा, लेकिन आपने इसको इंटीरियर डिजाइनर है या आर्किटेक्ट और सीखना चाहता है उसके लिए ये सारी चीजें वेबिनार में होंगी, वो भी डिटेल्स के साथ। तो भैया सबसे पहले बात करते हैं ओरिएंटेशन की। दैट्स राइट, अरे यार ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन मतलब कि वास्तु के हिसाब से कौन सी चीज कहां आएगी। अब देखो, ज्यादातर हमेशा जो वास्तु दोष में होता है वो WC नेगेटिव वाइब्स देता है, नेगेटिव एनर्जी का फ्लो होता है, तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो कि जब भी WC आप प्लेस कर रहे हो वो आप उस पे जब कोई भी पर्सन बैठे तो या तो वो हमेशा नॉर्थ की तरफ देखे या वो हमेशा साउथ की तरफ देखे। बट अगर कोई कह रहा है यार मनीष हमारे पास तो प्रोविजन ही नहीं है इन चीजों का, अब क्या करें? हम करते हैं प्रबंध। डोंट वरी, हमारे पास हर चीज का जुगाड़ है। इस केस में आपको क्या करना है, आपको दो पिरामिड खरीद के लाने हैं छोटे छोटे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर खरीदना चाहते हो तो वहां से खरीद सकते हो। बाथरूम के बाहर वाली दीवार पे साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में पिरामिड रख देना है और आपका वास्तु दोष हो गया, खत्म। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि जब फ्लोरिंग लगने वाली है, फ्लोरिंग के नीचे WC के नीचे 3 फुट बाय 3 फुट की एक स्क्वायर ऐसे पट्टी खिंचवा देनी है येलो ग्लॉस पेंट की, एनामेल की, इससे आपके वास्तु दोष जो है वो खत्म हो जाएंगे। और नहीं तो फिर दूसरा आप क्या कर सकते हो, एक कॉपर का बाउल रख सकते हो अपने बाथरूम में जिसमें वास्तु सॉल्ट डालना पड़ेगा, लेकिन इसको आपको हर हफ्ते चेंज करना पड़ेगा तब जाके आपका वास्तु दोष रहेगा। लेकिन सबसे इजी मैं बताता हूँ, पिरामिड वाला सही है, मैंने भी वही रखा हुआ है, मेंटेनेंस फ्री, और बाकी मैं वास्तु इतना मानता नहीं हूं, वो भी किसी ने गिफ्ट में दे दिए तो मुझे रखने पड़े। नेक्स्ट आता है प्लानिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार मेरा WC कहां आएगा, मेरा शावर कहां आएगा, मेरा वॉश बेसिन कहां आएगा, और कई बार लोग लगा तो लेते हैं किसी तरह फिक्स तो कर लेते हैं लेकिन बाद में पता चला कि वहां पे जो स्पेस है वो कंजेस्टेड हो गई। अब बाथरूम के कुछ रैंडम डिजाइन तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन बाथरूम के हर किसी का शेप का डिजाइन अलग होता है, किसी का 6x6 है, किसी का 6x5 है, किसी का 12x9 है, किसी का 9x4 है, तो वो डिजाइन तो आप ही खुद बेटर कर पाओगे, लेकिन नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको स्टैंडर्ड साइज बता रहा हूं जो आपको डिजाइन करने में, प्लान करने में इजी होगा। वो एग्जांपल, शावर के लिए आपको नहाने के लिए 3 फुट बाय 3 फुट का एरिया मिनिमम रिक्वायर्ड है, ये जिसके अंदर आप इजीली आराम से खड़े होकर नहा सकते हो। दूसरा, आपको WC के लिए 3 फुट बाय 3 फुट का एरिया डेफिनेटली चाहिए, जिसलिए इजीली कोई भी WC पे बैठे तो इजीली उसको यूज कर सके। और वॉश बेसिन के केस में आपको जो एरिया चाहिए वो 3 फुट बाय 2 फुट का एरिया चाहिए, जिसमें से 2 फुट जो हो गया वो वॉश बेसिन का स्पैन हो गया जहां वॉश बेसिन रखा जाएगा प्लेटफॉर्म पे, और 3 फुट डेप्थ के केस में, जैसे कि आप ये साथ के साथ जो ड्राइंग चल रही है इसमें देख पा रहे हो। उसके बाद कोशिश हमेशा ये करना कि जो डोर वहां पे लगने वाला है वो स्लाइडिंग हो, और स्लाइडिंग भी कहां हो, या तो बाथरूम के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। अब कई बार क्या होता है, हम बाथरूम की वॉल पे ना कबर्ड लगाते हैं बाहर की तरफ जो बेडरूम में दिखाई देती है, तो कबर्ड जब लगा रहे हो तो कबर्ड को वॉल से 1 इंची आगे की तरफ रखो, इससे फायदा क्या होगा, कभी दीवार में सीपेज आई तो वार्डरोब पे नहीं आएगी, और अगर दरवाजा बाहर की तरफ है दीवार के तो वार्डरोब के पीछे स्लाइड होकर चला जाएगा, छुप जाएगा, दिखाई भी नहीं।
नहीं देगा। तो अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहना साथ के साथ। और नेक्स्ट जो प्लानिंग में आपको पॉइंट ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, निश। आपके घर में अगर कहीं भी बाथरूम में 9 इंच की वॉल है जो कि ज्यादातर बाहर की तरफ होती है, वहां पे आपको एक निश जरूर देनी है। निश क्या होता है, फोटो देखो भाई, निश से ना बाथरूम इतना सुंदर दिखाई देता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, हाइट कम रखना, 1 फुट से ज्यादा नहीं, लेकिन लेंथ जितनी बड़ी होगी निश उतनी ही सुंदर दिखाई देगी। और एक टेक्निकल टिप दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो है आपको उसके अंदर लाइट डालनी है। और जब आपका लाइट, जैसे कि हमारा ये टॉप है, इसके अंदर लाइट लगी हुई है निश में, आपको जो फ्रंट जो टाइल या पता जो भी उतर रहा हो थोड़ा सा नीचे की तरफ उतरना चाहिए। सेक्शन में आप देख सकते हो ड्राइंग के अंदर, ऐसा क्यों होना चाहिए कि कल को अगर आप नहा रहे हो तो पानी लाइट की तरफ ना चले जाए और जो टक्कर नीचे आ रही हो पानी वहीं की वहीं रुक जाए। इससे आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा और टाइल है तो वहां पे इजीली उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो पार्ट आ गया भाई, जो मेरा फेवरेट पार्ट है, वो है लाइटिंग। दैट्स राइट। और वीडियो में पूरा बने रहना, आखिरी में मैं वो आपको वीडियो का लिंक भी दे दूंगा जिसके अंदर मैंने बताया है कि बाथरूम की बेस्ट कंपनी की एसेसरीज फिटिंग कहां मिलती है, और बाथरूम में नॉन ब्रांडेड में जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट कंपनी की सैनिटरी वेयर फिटिंग कहां मिलती है, वो भी ऑनलाइन। तो वीडियो में पूरा बने रहना। अब बात करते हैं लाइटिंग की, भाई मेरा फेवरेट पार्ट है। अगर आप घर में नॉर्मल डिस्टम पर नॉर्मल टाइल्स, मेरी एक वीडियो आई हुई है जिसमें मैंने ली मेरिडियन के वॉशरूम की वीडियो पूरी डिटेल में बना के डाली है, उसमें बेसिक टाइल लगी हुई है लेकिन लाइटिंग की वजह से बाथरूम ऐसा दिखता है कि 5 स्टार का होटल आ गया। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं कि जिसकी वजह से आपका जो बाथरूम है भाई वो भी 5 स्टार या 7 स्टार जैसा ही दिखाई देगा। अब सबसे पहले आप ये ड्रॉइंग्स देखो। इसमें ट्रिक क्या होती है कि सबसे पहले 3 लोकेशन हमें देखनी होती है, ठीक है। 3 लोकेशन कौन सी, WC कहां पे है, शावर कहां पे है एंड वॉश बेसिन कहां पे है। तो जो सबसे पहले लाइट आपको डालनी है वो डालनी है वॉश बेसिन का जो सेंटर होल है उसके जस्ट ऊपर। उसके बाद सेकंड लाइट जो डालनी है आपको, जो आपका शावर एरिया है उस शावर एरिया का जो शावर हेड है उसके थोड़ा सा आगे पीछे करके जिससे लाइट नीचे आ सके। तीसरी लाइट आपको डालनी है WC के सेंटर होल के ऊपर। अब ये जो WC का सेंटर होल है थोड़ा आगे पीछे लाइट कर सकते हो, किसके हिसाब से, वॉश बेसिन की लाइट जितनी दीवार से छोड़ी हुई होगी। जब ये 3 पॉइंट लाइट फिक्स हो जाएंगे तो चौथी पांचवी या छठी जितनी आपको चाहिए वो उसके अलाइनमेंट के हिसाब से आप लाइट को एड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट आपको कुछ मैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दे रहा हूं बेसिक जो होने जरूरी हैं। एक हो गया मिरर लाइट, जो मिरर के ऊपर होता है। अक्सर जो लोग होते हैं वो वही वॉशरूम में ही ट्रिम करते हैं या शेव करना पसंद करते हैं, या लड़कियां जो अपने बाल वगैरह स्ट्रेट कर रही है या कुछ भी यूज कर रही है, उसके लिए वहां पे एक मिरर के ऊपर लाइट होना जरूरी है। और एसेसरीज की मैंने दूसरी वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को देख लेना, उसमें सारे आई बटन में लिंक डाले हुए हैं, जैसे कॉनकेव मिरर हो गया या कौन सा वो रैक खरीदना चाहिए जिसमें सारे आप अपने क्या बोलते हैं एसेसरीज जो है वो उसमें डाल सकते हो, जैसे हेयर ड्रायर हो गया, हेयर स्ट्रेटनर हो गया। तो बेस्ट उसके लिए कौन सा है जिसमें सारी चीजें आ जाए, बाद में हैसल ही ना करना पड़े, अलग से कोई चीज माउंट ना करानी पड़े। उसके बाद अगर आपने फॉल सीलिंग डाली हुई है तो उसके अंदर कूल लाइट डाल सकते हो, बट मैं तो कहूंगा कभी भी बाथरूम में फॉल सीलिंग का कोई डिजाइन होना ही नहीं चाहिए। बाथरूम में सीधा सीधा फ्लैट फॉल सीलिंग होनी चाहिए और मजा आ जाता है बाथरूम। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट की, इलेक्ट्रिकल पॉइंट की। बाथरूम के अंदर इलेक्ट्रिकल पॉइंट कौन कौन से होने चाहिए, अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये हमारी वीडियो आएगी वेबिनार के अंदर। मेजरली जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो होता है गीजर का पॉइंट, एग्जॉस्ट का पॉइंट, मिरर लाइट का पॉइंट, निश लाइट का पॉइंट, सीलिंग का पॉइंट, एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट, और 3 स्विच सॉकेट जो कि होने चाहिए आपके मिरर के पास, जहां पे हेयर ड्रायर यूज कर सकते हो या हेयर स्ट्रेटनर यूज कर सकते हो, और एक्स्ट्रा ट्रिमर, क्योंकि ट्रिमर हमेशा चार्जिंग पे ही रहता है। और एक अलग से जो स्विच सॉकेट है वो आपको रखना होता है WC के पास। अक्सर अब क्या होता है, लोग वॉशरूम में भी मोबाइल बहुत यूज करते हैं WC के पास, तो WC के पास भी एक चार्जर पॉइंट होना चाहिए। वहां पे स्विच नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट सॉकेट होना चाहिए, स्विच जो है उसका मेन बाहर ही होना चाहिए मिरर के साथ जो ऑन रह सकता है। उसके बाद एक चीज का ध्यान रखना है, एक 2-way स्विच एग्जॉस्ट का, गीजर का और लाइट का आप चाहो तो बाहर भी ले सकते हो कि जब आप बाथरूम में एंट्री करो तो ये तीनों चीज बाहर से ही ऑपरेट होनी शुरू हो जाए। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं एक बार दिखा भी दूंगा आपको कि अभी टाइम कितना हो रहा है। इस वक्त हो रहे हैं, यहां से अगर मैं इसको जूम करूं और भी, तो ये अगर आप देख पा रहे हो तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इट्स 11:28 PM और इसके बाद मुझे एक वीडियो अभी और शूट करनी है। दैट्स राइट, शूट क्या करनी है, एडिट करनी है, वो भी डूडल वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो आ रही है बहुत तगड़े लेवल पे कि कंपैरिजन टाइल्स के ऊपर क्या होता है, वो आप देखना, बड़ा मजा आएगा। एक चीज का और ध्यान रखना, अक्सर क्या करते हैं लोग स्विच सॉकेट है जो मिरर के नीचे आसपास लगा लेते हैं, जो कि गलत बात है। कई बार वो मिरर के पीछे छुप जाता है और कई बार लोग वहां डायवर्टर लगा लेते हैं, इधर उधर हो जाता है। तो हमेशा स्विच सॉकेट मिरर जहां पे है उसके लेफ्ट वाली वॉल या राइट वाली भी वॉल पे होना चाहिए अगर ऑप्शन है। नहीं है तो मिरर के साथ में लंबा सा पैनल मत लगाना, वर्टिकल पैनल लगा लेना, क्योंकि लंबे में फिर स्टैंड नहीं आ पाएगा, वर्टिकल में साथ में स्टैंड आ जाता है।
अब बात करते हैं प्लम्बिंग पॉइंट की। भाई मैंने पूरी चेकलिस्ट बना के रखी है बाथरूम को लेके, वो चेकलिस्ट वाली वीडियो का आई बटन में लिंक है, वहां जाओ। वहां मैंने साथ के साथ लिंक भी डाला हुआ है उस चेकलिस्ट का, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो प्लम्बिंग में आपको 3 से 4 पॉइंट रखने हैं, जो अगेन मेजर में ऊपर से बता रहा हूँ। वो कौन कौन से है कि हमेशा रेड कलर की स्ट्रिप जिस पाइप पे हो वही पाइप आपको डालने हैं, वो हॉट वाटर लाइन के लिए होता है, ब्लू वाले नहीं डालने हैं। सेकंड, हमेशा व्हाइट पाइप पे येलो सॉल्वेंट होता है, मतलब कि सीपीवीसी फ्रेश वाटर पाइपलाइन पे येलो सॉल्वेंट, और जो ड्रेन या वेस्ट वाटर पाइपलाइन होती है उस पे व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट सॉल्वेंट आता है। अक्सर लोग उल्टा कर देते हैं, मैंने कई जगह पकड़ा है, कंसल्टेंसी में हम यही चीजें देखते हैं डेली। मतलब कि हमारी तो कॉल सुबह से लेकर शाम तक होती है नेगेटिव, पेंट हो गया जी, खराब हो गया जी, फॉल सीलिंग करी गिर गया। मैं जिस स्टूडियो में बैठा हूं मेरे साथ ही स्कैम हो गया कि फॉल सीलिंग के ऊपर लगनी 12 सपोर्ट्स थी टोटल, लेकिन लगी है 4, गिर भी सकती है। लेकिन मैंने, अब हम तो भाई जुगाड़ू हो गए हैं तो हम सारी चीज जानते हैं, तो हमने तो सेव करा लिया कि कैसे करना है। तो आप भी ध्यान रखना इन चीजों का, वो वीडियो जरूर देख लेना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब बाथरूम की प्लम्बिंग की लाइन डल जाए, आपको हमेशा वहां पे फोटो खींचनी है। वो क्यों खींचनी है? कई बार अक्सर क्या होता है कि आपकी बाथरूम की वॉल बेडरूम में दिखती है और आपने सोचा चलो उस वॉल पे हम पेंटिंग टंगा देते, तो आपने इस तरह से ड्रिल मारा और पता चला पाइप में जाके छेद हो गए। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपकी जो पाइपलाइन है वो कहां से जा रही है, ठीक है। कई बार क्या होता है उस बाथरूम वाली वॉल पे हम नीचे कंसोल लगाते हैं, वहां कील ठोकता है, या एसी का ड्रेन पाइप लगा हुआ तो एसी के लिए ड्रेन पाइप के लिए कील ठोक देते हैं, तो वहां सारी गड़बड़ हो जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि फोटो हमेशा ले लेना, और सेम एसी के केस में भी ले लेना। मैं घरों के लिए चेकलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैं बाथरूम की चेकलिस्ट, वाटर प्रूफिंग के टाइम पे कैसे होती है उसकी चेकलिस्ट सब डाला हुआ है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब जिसका आप काफी देर से वेट कर रहे हो कि मनीष ठीक है यार ये सब तो आपने बता दिया, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन यार डिजाइन, जब बाथरूम में टाइल खरीदने जाते हैं बाथरूम के लिए, हम सारे कंफ्यूज होकर खड़े हो जाते हैं यार कौन सी टाइल ले कैसे ले। देखो अब बाथरूम में टाइल के डिजाइन तो बहुत सारे हैं नो डाउट, लेकिन कौन सी टाइल नहीं लेनी है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लेना। डिजाइन तो आई होप आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो कंसल्टेंसी कॉल ले सकते हो जिसमें हमारा डिजाइनर आपको बता देगा कि टाइल कौन से शेड में बेस्ट शेड कैसे बनाना है, कहाँ हाइलाइटर डालना है। लेकिन आपको हमें कॉल ना ही करना पड़े उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से ट्रिक बता रहा हूँ। अब एक बात बताओ, जैसे ही आप दरवाजा खोलते हो और आपको सुंदर सी एक एक्ट्रेस दिखाई दे या फिर आपको एक एक्टर दिखाई दे, तो आपका फोकस कहाँ जाएगा? उसी के ऊपर जाएगा ना, हाइलाइटिंग मटेरियल पे जाएगा ना। तो दैट्स राइट, टाइल के केस में भी बाथरूम में यही होता है कि जब आप दरवाजा खोलो तो जो सबसे पहले वॉल या एलिमेंट आपको दिखने वाला है, आपको हमेशा वहां पे हाइलाइटर डाल देना है। अब मैं आपको यहाँ पे 6 से 7 ऑप्शन दिखाता हूँ कि जिसके अंदर आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कहाँ पे हाइलाइटर डालना है, कहाँ पे हाइलाइटर नहीं डालना है, या कहाँ पे टी प्रोफाइल डालना है, या कहाँ पे पेंसिल डाल देनी है। अब आप ये फर्स्ट केस में देख रहे हो कि जहां पे डोर ओपनिंग है, तो सबसे पहले जो हमने वॉल दिख रही है वो सामने की तरफ दिख रही है और राइट हैंड साइड के डब्ल्यूसी की तरफ दिख रही है। तो इसमें आप क्या करते हो, डब्ल्यूसी की जो लेज वॉल है उस पे डाल सकते हो, और नहीं तो शावर के सामने वाली पूरी वॉल पे डाल सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें, अगेन इसमें हम जब दरवाजा खोलते हैं रेक्टेंगुलर टाइप का, अगर वॉशरूम है तो हमें पहले कौन सा दिखा, मिरर, दैट्स राइट। तो मिरर के 6 इंच इस तरफ और दीवार तक अगर सेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, और टिल हाइट तक आपको ये वाला टाइल हाइलाइटर डालना है। और राइट हैंड साइड पे मैंने भी अगेन ऑप्शन दिए, एक एल कॉर्नर पे डाल सकते हो या फिर राइट हैंड साइड की पूरी वॉल पे डाल सकते हो, या बॉक्स सेक्शन भी पूरा बना सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देख रहे हो कि अगेन हमने फिर से डोर खोला तो हमें सबसे पहले वॉश बेसिन दिखाई दिया, फिर डब्ल्यूसी और फिर शावर पैनल। लेकिन जैसे हम बाथरूम में घुसते हैं राइट में जब हम देखते हैं तो डब्ल्यूसी की लेज वॉल को आप हाईलाइट कर सकते हो, या फिर आप साथ के साथ इस पूरे एल शेप में कर सकते हो, इसमें से कोई भी दो वॉल पे हाईलाइटर जाएगा। ऐसे आप चाहो तो शावर के पूरे सेक्शन को भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इस पूरी टाइल के कैटलॉग को डाउनलोड कर सकते हो, इससे पहले कि आप मार्केट जाओ आप खुद सजेस्ट कर लोगे, नहीं तो हमें आप भेज सकते हो, हम उसके कैटलॉग के थ्रू आपको सजेस्ट कर देंगे कौन सी बढ़िया टाइल लगने वाली है। अब आप कहोगे मनीष ठीक है यार डिजाइन का भी समझ आ गया कौन सी वॉल पे हाईलाइटर डाल रहे हैं, बट यार एक चीज बताओ हमें कि यार ये ग्लॉसी टाइल ले या मैट ले या शुगर ले, क्या ले, और ये ग्लेज विट्रीफाइड क्या होता है सब। मैंने ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड टाइल की पूरी या टाइल को लेकर पूरी चेकलिस्ट की सीरीज बनी हुई है, अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, एक सिंपल से ट्रिक दे रहा हूं, हर बार कंफ्यूजन होती है ना ग्लॉस मैट शुगर कौन सी लें, सिंपल से ट्रिक दे रहा हूं मजा आ जाएगा। और अगर ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर देना, क्योंकि ट्रिक इतनी है अच्छी कि आपको लाइक करना पड़ेगा। देखो जनरली मैं तो ये कहूंगा कि हमेशा टाइल जो लगाओ वॉशरूम में वो शुगर फिनिश में लाओ, बेस्ट होती है, क्यों, हल्का सा ग्लिटरिंग इफेक्ट भी होता है और मैट भी होता है। अब आप पूछोगे यार मनीष ग्लॉस क्यों नहीं, ग्लॉस इसलिए नहीं लगानी चाहिए क्योंकि होता क्या है ना कि जब लाइट ऑन होती है या खिड़की से अगर लाइट आ रही है तो ग्लॉस स्टाइल
मिरर में आपको अपनी शक्ल दिखाई देती है या और भी जो ऑब्जेक्ट्स बाथरूम में वो दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, जो टाइल के अंदर रेशे हैं या टाइल के अंदर जो पैटर्न्स हैं वो छुप जाते हैं और उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी रिफ्लेक्शन मिलती है, जिसकी वजह से आपकी टाइल की जो फील है जिसमें आपने पैसा खर्च किया जो दिखाई दे वो बहुत ही गंदा दिखता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई आपको एक्ट्रेस मिली बहुत सुंदर सी और मेकअप बहुत घटिया कर दिया, तो होता क्या है ना कि मैट में थोड़े से पानी के स्पॉट आ जाते हैं और अगर आपका यहाँ पे सॉल्टी वाटर है तो मैट पे स्पॉट बहुत जल्दी दिखाई देंगे, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो अब जो वो ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि स्टिल आपको ग्लॉस तभी लगानी पड़ेगी जब आपके पास एक चीज को लेकर लैक होगा, मतलब कि वो क्या है, अगर आपके बाथरूम का एरिया फ्लोर एरिया 36 स्क्वायर फीट से कम है या 30 स्क्वायर फीट या 40 स्क्वायर फीट तक है तो आपको हमेशा ग्लॉस ही टाइल डालनी पड़ेगी, नहीं तो आपका बाथरूम बहुत छोटा दिखाई देगा। अगर आपका बाथरूम का एरिया 40 स्क्वायर फीट से ज्यादा है और अप टू 60 स्क्वायर फीट तक का है तो आप शुगर फिनिश टाइल डाल सकते हो जिसमें ग्लिटर इफेक्ट भी आता है, और अगर उससे बड़ा एरिया है तो आप मैट पे भी जा सकते हो जिससे कि आपका बाथरूम कंजेस्टेड नहीं लगे, बट स्टिल मैं तो कहूंगा यार अगर बड़ा एरिया पे तो शुगर फिनिश पे जाना बड़ी प्यारी टाइल लगती है। अब आ जाते हैं भाई साइज के ऊपर कि भाई साइज कौन सा लगाएं, तो मैं प्रेफरेबल साइज पहले ही बता देता हूं। अक्सर लोग क्या होते हैं बहुत बड़ी बड़ी टाइल डाल देते हैं लेकिन दिक्कत हो जाती है, सबसे बढ़िया टाइल होती है वो 4x2 की टाइल होती है, इसमें मैं ट्रिक दे रहा हूं ध्यान रखना, 4x2 की टाइल सबसे बेस्ट होती है ठीक है वो लगाओ, और नहीं तो फिर 2x1 की टाइल भी डाल सकते हो वो भी बहुत बढ़िया टाइल होती है, और फ्लोर में 18x18 या 2x2 इससे ऊपर नहीं जाना, रीजन क्योंकि बड़ी टाइल्स फिर स्लोप को मेंटेन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, और एसेसरीज की लिस्ट डाली हुई है जिसमें आजकल क्या लोग क्या होता है आज भी जाली लगा रहे हैं, वो जाली नहीं लगानी है, ड्रेन चैनल्स हैं बढ़िया बढ़िया टाइप के, बहुत बढ़िया पॉपअप जालीज हैं वो मैंने उसमें वहां पे बताया हुआ, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें थोड़ी सी मॉडर्न सेंट्री फिटिंग्स है लेकिन रेट जो है वो कम है। और 4x2 की टाइल लोगे वो विट्रीफाइड मिलने वाली है तो हमेशा केमिकल से लगानी है, केमिकल MY के कंपनी 305 या 307 का लगा सकते हो, होता क्या है 4x2 की टाइल में ना बेंड आ जाते हैं। तो अब आप अगला सवाल पूछोगे मनीष स्पेसर दे के लगाएं या ग्रूव दे के लगाएं या नहीं लगाएं, कुछ नहीं करना है आपको, ग्रूव सिर्फ हॉरिजॉन्टल में दो वर्टिकल में मत दो, वर्टिकल में उतने बेंड्स नहीं आते हैं, मतलब अगर ये 4x2 की टाइल ऐसी लंबी है तो जो वर्टिकल जॉइंट आएगा उसमें ग्रूव मत दो, टाइल मिला के दे दो, और जो हॉरिजॉन्टल ग्रूव है जिसमें टक जो बेंड है वो फील होने वाला है उसमें आप या तो ग्रूव दे सकते हो और नहीं तो आप की प्रोफाइल डाल दो, बस आपका काम हो जाएगा, नहीं तो पेंसिल डाल सकते हो वो आपकी कॉल है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, और क्विक टिप इंटीरियर्स के लिए इंटीरियर कोच शॉर्ट्स को आप फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो कर सकते हो जहाँ पे आप क्विक टिप इंटीरियर तो देती देते साथ में हमारी टीम कैसे मौज मस्ती करती है और कैसे काम करती है वो भी आप वहां देख सकते हो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और गाइस एग्जीक्यूशन अब हम होल्ड पे डालने जा रहे हैं, ज्यादा 3 या 4 प्रोजेक्ट और उठा पाएंगे क्योंकि हमारा भाई ओवरलोड हो गया, मैंने बस 2 ही वीडियो में अनाउंस किया था उसके बाद तुम हम ही हो गए कि किसका करें, और पीपल्स भी लाइक कि नहीं नहीं सर प्लीज हमारे करो, तो हम ओवरबुक हो गए हैं एक तरीके से, तो हम बुक हो गए हैं बस ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 ही प्रोजेक्ट हो पाएंगे, तो आप फोन मत करना क्योंकि मुझे लग रहा है इस वीडियो के बाद 3 से 4 प्रोजेक्ट और आराम से आ जाएंगे। तो गाइज और भी ऐसी वीडियोस के लिए नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है कमेंट करके बता देना क्योंकि अब टॉपिक ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बाकी मैं सोच रहा हूं 1 BHK इंटीरियर डिजाइन पर डाल दूं, बाकी रेस्ट आप मुझे बताओ, मैं कमेंट पोल भी डालूंगा वोट जरूर करना। और गाइज एक्साइटमेंट इतनी है कि 12 जनवरी को वो बुक ट्रेवल करते हुए वापस आ रही है जो हमने आज से 9 महीने पहले शुरुआत करी थी, क्या होगा वो अगली वीडियो में बताऊंगा, बट ये है कि एक बुक हमने चलाई थी वो बुक पूरे वर्ल्ड से घूमते हुए आ रही है, क्या स्टोरी है उसके पीछे, क्या चीज वो होने वाली है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो गाइस 12 जनवरी का वेट करना, हम तो बहुत एक्साइटेड है भाई, पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है, और वो हमने वैसे अकेले चलाई थी लेकिन घूमते 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 भाई यहाँ आने लग रही है, आई एम प्रीटी एक्साइटेड, स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस गुड नाइट एंड गुड बाय।